Hello everyone, welcome again to my educational channel. Today in this video, we will discuss a beautiful poem from Standard 10th, Unit 4, 4.1, A Thing of Beauty is a Joy Forever. This poem is written by John Keats. Hey everyone, before understanding this poem in detail, I must say, if you are new to my channel, then kindly subscribe it so that you can get notifications whenever I'll upload any educational video. So, without any further delay, let's get started with this poem. The poet of this poem is John Keats. He was born in 1795 and he left us in 1821. He was an English poet और वो सबसे popular poet थे. जितने भी British romantic poet हैं, उनमें से ये सबसे popular poet हुआ करते थे. He died very early due to illness. बीमारी की वजह से उनकी death जल्दी ही हो गई. But जितनी भी उनकी short life थी, he devoted to the perfection of a poetry. His poems are characterized by imagery from nature that appeal to one's senses. इसमें ये लिखा गया है कि उनके जो poems हैं, उनकी जो जितनी भी पोएम्स हैं वो इतनी अपीलिंग हुआ करती हैं कि अगर वो किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कोई नेचर का इमेज के बारे में वो बात कर रहे हैं, इमेज रख रहे हैं हमारे सामने, तो हमें ऐसा फील होता है हम ऐसे ओके, हम वही इमेज में या वही नेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, वही नेचर में हम अभी प्रेजेंट हैं, ऐसा फील होता है, ऐसे हमारे सेंसेस को फील होता है. ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं पोएम के बारे में. ये जो पोएम लिखी गई है जॉन कीट्स ने, एक लॉन्गर पोएम में से फर्स्ट स्टेंजा उठाई गई है. मतलब आपके पोएम में, आपको टेक्स्ट बुक में जो पोएम दी गई है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेंजा है लॉन्गर पोएम का. और उस लॉन्गर पोएम का नाम क्या था? एंडिमियन, विच वॉज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथोलॉजी, जो ग्रीक मिथोलॉजी के ऊपर बेस्ड थी. और इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसे एज अ प्रोवर्ब यूज किया जाता है. द पोएम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 1818. और ये उस ब्यूटी के बारे में बात किया जा रहा है, वो चीज जो हमें खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है, वो ब्यूटिफुल होती है, ऐसा पोएट हमें बताना चाहते हैं. और पोएट क्या बोलना चाहते हैं कि जो भी चीज ब्यूटी देती है वो हमेशा के लिए ब्यूटिफुल रहती है. ठीक है, तो हम स्टेंजा वाइज, लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन देखते हैं. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. पोएट की जो पोएम की जो हेडिंग है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसका मीनिंग क्या है? एक ऐसी चीज जो ब्यूटीफुल है, मतलब एक ऐसी चीज जो खुशी देती है वो ब्यूटीफुल होती है. कोई भी ब्यूटीफुल चीज जो खुशी देती है वो हमेशा के लिए ही हमें खुशी देती है. ठीक है, सपोज आपको कोई गिफ्ट मिला है आपके लव्ड वन से, जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उनसे आपको कोई गिफ्ट मिला है और आपको वो गिफ्ट देख के बहुत खुशी होती है, आपके उस गिफ्ट से इमोशन सेंटिमेंट्स जुड़े हुए, तो उस गिफ्ट को अगर आप 10 साल बाद भी देखोगे, आज से 10 साल बाद भी देखोगे, तो उस गिफ्ट से आपको खुशियां ही मिलेंगी. उस गिफ्ट को देख के आपके फेस पे स्माइल आएगी, खुशी मिलेगी, क्योंकि उससे आपकी अच्छी यादें जुड़ी हुई है. तो वो गिफ्ट आपको क्या देती है? खुशी देती है. इसलिए वो गिफ्ट क्या है? ब्यूटीफुल है, जो हमेशा के लिए आपको जॉय देगी, फॉरएवर जॉय देगी. ठीक है, तो वही इस पोएम के हेडिंग का मीनिंग है. आगे इस पोएम के लाइंस में क्या बोला है कि ये जो ब्यूटी है, ये जो चीज ब्यूटी दे रही है वो हमेशा के लिए देती है, और इसकी जो ब्यूटी है, लवलीनेस है, वो हमेशा बढ़ती रहती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. नथिंगनेस मींस वैल्यूलेस. इसकी ब्यूटी कभी खत्म नहीं होगी, ये कभी वैल्यूलेस नहीं होगी. बट स्टिल वी कीप अ बॉवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग. ये पोयम अ लिटिल बिट डिफिकल्ट है समझने के लिए, सो प्लीज बी अटेंटिव और कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप इसमें. क्या लिखा है पोएट ने कि ये जो ब्यूटी है, ये जो चीज की खूबसूरती है, खूबसूरत चीज की जो खुशी है, वो एक सुकून देती है. बॉवर का मतलब है शेड, शांति देना. जैसे बहुत धूप से निकल के एक शेड छांव देता है ना हमें, और तब हमें शांति मिलती है, वैसी ही शांति, वैसा ही पीस ये खुशियां हमें देती है, ये ब्यूटीफुल चीजें हमें देती है. ठीक है, इनसे हमें क्या मिलती है? पीस मिलता है इनसे. उस पीस के वजह से हम अच्छी नींद कर पाते हैं. मतलब जितने भी क्रिएचर्स हैं अर्थ पे, वो उस पीस के वजह से अच्छे से नींद कर पाते हैं, काम रह पाते हैं, हेल्दी रह पाते हैं.
ठीक है, इसीलिए देयर फोर ऑन एवरी मोरो, मोरो का मीनिंग है मॉर्निंग, आर वी ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, इसीलिए हर सुबह हर मॉर्निंग को हमें क्या करना चाहिए, इन अच्छी यादों को, अच्छे मोमेंट्स को, ब्यूटीफुल चीजों को एक एक करके उनके फ्लावरी बैंड बनानी चाहिए, एक ऐसी बैंड जो हमें इस अर्थ से जुड़े रखे, मतलब ये अच्छी चीजें हमें जीने का मकसद देती रहती है, इसलिए इन अच्छी चीजों को हमें कलेक्ट करना चाहिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस का मतलब है दुख, अनहैप्पीनेस, सैडनेस, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉबल नेचर्स ऑफ द ग्लूमी डेज ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज। क्या बोला है इसमें पोएट ने हमें, इतने दुखों के बावजूद भी अच्छे नेचर, नॉबल नेचर वाले लोगों की शॉर्टेज है, डेथ मीन्स शॉर्टेज, कमी, इतने दुखों के बावजूद भी, इतने गलत लोगों के बावजूद भी, इतने बुरे दिनों के बावजूद, ग्लूमी डेज मीन्स बुरे दिन, इतने बुरे दिनों के बावजूद भी, इतने डार्केंड वेज होने के बाद भी, अंधेरा छाया होने के बाद भी, हमें कोई ऐसी चीजें हैं जो हमेशा के लिए खुशी देती हैं, पॉजिटिविटी लाती हैं, और वो चीजें कौन सी हैं, ब्यूटीफुल चीजें, ठीक है। मेड फॉर सर्चिंग, यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम अ डार्क स्पिरिट। ऐसी चीजें, ऐसी ब्यूटीफुल चीजें ही हमें जीने का मकसद देती हैं। इतना सब कुछ बुरा जो हो रहा है लाइफ में, बट हम उसे ना देख के अच्छी चीजों को अगर देखेंगे तो हमें जीने का मकसद मिलेगा। इन सब के बावजूद भी ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो हमें आगे बढ़ने को मोटिवेट करती हैं, और डार्क स्पिरिट से, बुरे ख्यालों से, बुरी आत्माओं से हमें दूर रखती हैं, ठीक है, और ये लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करती हैं। सच द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, यहाँ पे पोइट बता रहे हैं कि हमारे लाइफ में गॉड ने हमें इतनी सारी ब्यूटीफुल चीजें दी हैं, इतनी सारी पॉजिटिव चीजें दी हैं जो हमें जीने के लिए इंस्पिरेशन देती हैं, जैसे सन है, मून है, ट्रीज, इतने सारे ट्रीज हैं, ग्रीनरीज है जो हमें शेड्स देते हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बून जो हमारे लिए ब्लेसिंग है, बून मीन्स ब्लेसिंग, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, एंड क्लियर रिल्स, क्लियर मीन्स साफ, रिल्स मीन्स पानी, क्लियर रिल्स नदियां, साफ नदियां, दैट फॉर themselves अ कूलिंग कवर्ड मेक। जैसे अगर दुख है तो अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें हैं तो अच्छी चीजें भी हैं, जैसे अगर धूप है, इतना इतनी तेज धूप है, सब कुछ गर्म हो रहा है धूप के वजह से, तो ठंडी नदियां भी हैं उस धूप को ओवरकम करने के लिए, जैसे ये ठंडी नदियां खुद को ही ठंडक पहुंचाती है ये गर्म गर्म धूप के बाद, वैसे ही हमारे लाइफ में जितने भी दुख होते हैं वो इन ब्यूटीफुल चीजों के वजह से कम हो जाते हैं, या हम इन ब्यूटीफुल चीजों के वजह से दुखों को झेल सकते हैं और ये लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं। फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। जैसे साफ नदियां अपने लिए ही एक कूलिंग कवर बनाती हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन, हॉट सीजन के अगेंस्ट में, जैसे एक कोई भी इंसान इन ट्रीज के तरफ जाके अपने गर्म धूप से, गर्मी से छांव ले सकता है, तो जैसे उनके लाइफ में डिफिकल्टीज हैं तो डिफिकल्टीज सहने के बाद वो किसी को अच्छी शांति भी, पीसफुल पीस भी देते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स। फिर से यहाँ पे इन लाइंस में पोएट ने कुछ अच्छी चीजों के बारे में बताया है और कुछ डिफिकल्टीज मतलब बुरी चीजों के बारे में भी बताया है। क्या बोला है, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक मतलब जो सुंदर सुंदर छोटे छोटे फर्न्स रहते हैं ना, जिन्हें हम ग्रास बोल सकते हैं, फ्लावर्स बोल सकते हैं, उनपे भी बहुत अच्छे अच्छे मस्क, छोटे छोटे रोज या फ्लावर्स छोटे छोटे निकलते हैं, स्पार्कलिंग फ्लावर्स निकलते हैं, एंड सच टू इज द ग्रैंडर ऑफ डूम्स।
डोम्स का यहाँ पे आपको बताया गया है लास्ट डे ऑफ एग्जिस्टेंस, तो डिफिकल्टीज के बारे में बताता है कि डोम्स का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना डोम्स डे कि बहुत बुरा दिन, कि अभी सब कुछ खत्म हो रहा है, उतनी डिफिकल्टीज भी आती है तो भी कहीं से हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे लाइफ में कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ तो स्पार्कलिंग है जो हमें अलाइव रख रहा है. वी हैव इमेजिनड फॉर द माइटी डेड ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक. अब हमने बहुत बार टेल्स, अच्छी टेल्स सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी. किसके बारे में? माइटी डेड के बारे में. डेड तो आपको पता है, माइटी डेड क्या होता है? माइटी मीन्स जाबाज. अब कोई किसी अच्छे काम के लिए, जैसे सोल्जर्स होते हैं ना हमारे, अच्छे काम के लिए, मतलब इस कंट्री के लिए वो अपनी जान दे देते हैं, ये हमने पड़ा हुआ है, तो उनके लिए वो लाइफ खत्म हो गई. बट क्या होता है, वो लाइफ सच में उनकी खत्म हो जाती है क्या? नहीं, वो अमर रहते हैं हमारे मेमोरीज में. एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक. तब भी हमें ये डिफिकल्टीज में भी, हमें जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वो डिफिकल्टीज में भी हमें ये जो ब्यूटीफुल चीजें हैं वो अमृत बनने का काम करती हैं. अब इमोर्टल मीन्स अमर, ड्रिंक मीन्स अमृत, अब इमोर्टल ड्रिंक मीन्स अमृत जो हमारे ऊपर गिर रहा है किसी हेवन के कोने से. तो मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं पोएट, कि गॉड ने अगर बहुत सारे, इस पोएम में गॉड ने अगर बहुत सारी डिफिकल्टीज हमारे लाइफ में दी हैं, तो उन डिफिकल्टीज के साथ उन्होंने बहुत सारे ब्यूटीफुल चीजें भी दी हैं जो हमें फॉरएवर जॉय देंगी. इट इज अप टू अस कि हम अपने लाइफ को किस तरीके से लेते हैं. क्या हम बुरी चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं और अच्छी चीजें छोड़ देते हैं, या सिर्फ अच्छी चीजों पे कंसंट्रेट करते हैं, या बैलेंस बना के रखते हैं? तो ओवरऑल इस पोयम में यही पोएट ने हमें बोला है कि कॉन्सेंट्रेट ऑन दी गुड थिंग्स इन लाइफ विच विल प्रोवाइड फॉर एवर जॉय टू अस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो, ये पोयम समझ में आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच.